अयोध्या पहुंचे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने अपना बयान दिया है। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जो सूचनाएं पिछले एक महीने से आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उसको लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी है। अभी तक प्रदेश में 550 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। वेंटिलेटर, मैन पावर व पीडियाट्रिक आईसीयू की सारी चीजें पिछले एक महीने के अंदर मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार हो रही है और जिसकी चेकिंग भी चल रही है। तीसरी लहर में मरीजों को भर्ती करने की नौबत आती है तो कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहे। प्रतिदिन कोरोना की 2 लाख जांचें हो, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ इलाका, ठेले वाले, हर जगह लोगों की चेकिंग हो रही है। बता दें, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह आज मेडिकल कॉलेज में आयोजित गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत करने अयोध्या पहुंचे थे। तीसरी लहर की जो सूचनाएं हम लोग को पिछले एक महीना से आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, WHO के माध्यम से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से, जब से ओमिक्रॉन के केसेस पूरे विश्व में निकलने लगा तभी से भारत में और उत्तर प्रदेश में हम लोग ने अपनी पूरी तैयारी पुनः वो कर लिया था। और सारे हमारे जो 550 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमारे जेनेटिंग प्लांट लगे हुए हैं, उनके साथ उनके वेंटिलेटर, उनके मैन पावर, पीडियाट्रिक आईसीयू, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले एक महीने के अंदर मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार इसका चेकिंग करना, इसका टेस्ट करना, ताकि तीसरे फेज में अगर कहीं भी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी तो ये कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। इसके साथ में हम 2 लाख प्रतिदिन का हम टेस्टिंग करते हैं, RT-PCR और RAT, और इसमें बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेके भीड़भाड़ इलाका में, गांव में, ठेले वालों का, फुटपाथ पर, हर जगह हम लोग इस तरह का टारगेटेड और फोकस टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ में वैक्सीनेशन भी हमारा 12 से 15 लाख का प्रतिदिन का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज मिला के हम लोग लगे हुए हैं। इसको बढ़ा के हम 20 लाख करेंगे। हर स्तर से हमारा प्रबंधकीय व्यवस्था जो पहले 2020 और 21 में था और हमारे जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर हर जनपद में था, उनको सक्रिय करते हुए और उनसे जुड़े हुए हमारे रैपिड रिस्पॉन्स टीम, निगरानी समिति, ये सब को हम लोग ने सक्रिय कर दिया है। कोई भी सूचना, कोई भी बाहर से दूसरे प्रदेश से आता है गांव में या शहर में, उसकी सूचना हम लोग को प्राप्त होता है, उसका टेस्ट कराना, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करना और उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके कंटेनमेंट आवश्यकता अनुसार करना, ये पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश एकदम तैयार है।